Hey guys, welcome back to my channel once again. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स BDO BPDO का जो रिजल्ट था, यानी जो स्नातक स्तरीय रिजल्ट था, उसको लेकर बवाला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और बड़ा धमाका कल जो है फूटा है, जब कॉन्फ्रेंस हुई थी आपने देखा होगा, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने जो है तमाम सबूत वहाँ पर पेश किए थे। जैसे जैसे गहमा गर्मी बढ़ती गई दोपहर में, वैसे भी बारिश का माहौल था, लेकिन जो है बेरोजगारों के लिए ये बिल्कुल गर्मी का जो है माहौल था, क्योंकि जैसे ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने काफ़ी सबूत पेश किए थे कॉन्फ्रेंस करके, उसके ठीक बाद आपने देखा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव का इंटरव्यू आता है, उसके ठीक बाद आपने देखा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं, फिर उसके बाद अध्यक्ष जी का जो है बयान आता है बैक टू बैक। तो आप सोचिए किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, इसको आपको जो है समझना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं और क्या इसमें हुई। तो बेरोजगार युवा बोले BDO BPDO में जो है CBI की जांच हो, जो मेन पॉइंट्स आप देख सकते हैं युवाओं ने सरकार के सामने रखा है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप भी अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा BDO BPDO की जो है DB चल रही है। जैसे कि कल अध्यक्ष राजू जी ने भी कहा था कि अभी वो इसकी DB कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट्स उनमें उनको ब्लैक सीप या फिर संदिग्ध पाए जाने की उम्मीद है। 50 कैंडिडेट उनको भी ऐसा लगता है कि इसमें जो है संदिग्ध में है। तो उन्होंने कहा कि DB कंप्लीट हो जाने के बाद वो इनके कॉन्ट्रैक्ट नंबर डिटेल की चर्चा कर मतलब जाँच करवाएंगे, उसके बाद ही उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दी जाएगी। तो तमाम चीज़ें हमने डिटेल में उनका जो इंटरव्यू कल हुआ था अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप ज़रूर देखें, हालांकि आपने वो देख लिया होगा। लेकिन इस वीडियो में हम जो मेन पॉइंट्स हैं जो बेरोजगार युवाओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पालियों में परीक्षा कराने, बोनस अंक देने की भी जांच हो। हाँ, ये तो अक्सर हर एक भर्ती पे ये सवाल उठता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। इस बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही था, वो तो आप जानते हैं कि आयोग के एक्सपर्ट कितने महान हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं नहीं कहूँगा, बाकी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअल में ये किस तरह से जो है चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अगले पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा पॉइंट्स उठाया जा रहा था कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो NCERT का अनुबंध खत्म कर दिया जाए। याद हो आपको ये सवाल सबसे बड़ा इसलिए भी उठ रहा है अब, और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि अभी जो UPSI की जो परीक्षा हुई है उसमें भी इसी एजेंसी ने जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, और उसमें भी जो है बड़े घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। और यूपी में किस तरह से इस समय हंगामा चल रहा है वो आपने ज़रूर देखा होगा, हम अपने स्टोरीज के माध्यम से ये खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ रहा है कि जो ब्लैक लिस्टेड संस्था है यानी कि एजेंसी जो कंडक्ट कराती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हो रहा है कि NCERT जो है कॉन्ट्रैक्ट लेती है एग्ज़ाम का, लेकिन वो खुद एग्ज़ाम ना करा के वो सब जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे एग्ज़ाम कराती है। तो यानी कि आप सोचिए बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे उठाई गई है कि भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था भी खत्म की जाए। तो नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था है तभी खत्म हो सकती है जब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, और जब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। चौथा जो पॉइंट सबसे बड़ा है कि आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की भी जांच हो। तो ये पॉइंट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि इस पर भी जो है अक्सर उठते रहते। बाकी अगर कल आपने अध्यक्ष जी का जो इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने कहा कि अब तो वो रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट होने से पहले वो कुछ ना कुछ ऐसा उनको करना चाहिए जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इतिहास में एक नाम बन जाए। बाकी इन चार पॉइंट्स से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BPDO की भर्ती में जो धांधली हुई है उसको लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर उन्होंने इस भर्ती में जो है तमाम तरह के आरोप
सताया था और कई स्क्रीनशॉट और कई चीज़ों से उन्होंने कहा था कि ये पेपर ऑलरेडी लीक हुआ था करीब 10-12 घंटे पहले। तो बाकी उन्होंने इस पर जो है सीबीआई की जांच की भी उन्होंने जो मांग रखी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी का क्या कहना है, उनका भी कल जैसे ही इन्होंने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ठीक बाद आपने देखा होगा सचिव जी का इंटरव्यू रिलीज होता है, उसके ठीक बाद जो है अध्यक्ष जी का जब इंटरव्यू रिलीज होता है। हमने दोनों के इंटरव्यूज अपने चैनल पर अपलोड करके रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार आप ज़रूर देखें। और उन्होंने वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरोजगार युवाओं को जिन बिंदुओं पर शिकायत है इनका परीक्षण कराया जा रहा है, ठोस तथ्य मिलने पर ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अब ये उचित कार्रवाई आपका एक मंथ भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जो है अध्यक्ष राजू जी कह रहे हैं। तो इससे जो है कई बेरोजगार जो कि आई थिंक उसमें कुछ मेहनती कैंडिडेट भी होंगे उनका भी नुकसान होना लाजमी है। बाकी ये उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग को सोचना है कि जिन बच्चों ने हार्डवर्क किया है उनका भी नुकसान ना हो। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी इन जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं इनमें से किन या आप ये चारों पॉइंट से सहमत हैं या इनमें से किसी पॉइंट पर आपकी अलग राय है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन जरूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।